रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो आइए शुरू करते हैं मेरी आज की रेसिपी। जी तो सबसे पहले हम डो बनाने के लिए चीज़ें अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने ये पानी लिया हाफ कप, ये मैंने गर्म कर लिया थोड़ा सा नॉर्मल। तो इसमें मैं सबसे पहले चीनी डालूंगी 1 टीस्पून पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ईस्ट लिया है पाउडर में, ये डालेंगे 1 टीस्पून। जी तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून, ये शामिल करेंगे और इसे अब मिक्स करेंगे। जी तो इसे मिक्स करेंगे। जी तो मैंने ये मिक्स कर दिया सारी चीज़ें। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी बंद जगह पे, जहाँ पे इसको हवा ना पड़े। जी तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है डो बनाने के लिए। जी तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये डालेंगे इसमें बॉल में। जी यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैं 1.5 चम्मच डालूंगी ऑयल की, ये शामिल करेंगे। जी तो दही डालेंगे इसमें 2 चम्मच, ड्राई मिल्क डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। जी तो 1 अंडा मैंने फेंट के डाला इसमें, अगर बड़ा है तो 1/2 डालेंगे, अगर छोटा है आपके पास तो आप पूरा अंडा फेंट के डालेंगे इसमें, ये देखें इस तरह से। जी तो अब इसे मिक्स करेंगे। जी ये जो हमारा ईस्ट वाला पानी है, सारी चीज़ें मिक्स की हैं, ये भी अब इसमें शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये देखें मेरी डो जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे अब हम रखेंगे कवर करके 20 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन बनाएंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे। जी तो ऑयल डाल लिया है। जी तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा, ये मैं शामिल करूँगी इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को तेज करेंगे, इसे थोड़ा सा सोते करेंगे, ये देखें। जी तो यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम चिकन है। जी तो ये मैं चिकन शामिल करूँगी इसमें। जी तो ये देखिए चिकन का कलर जो है ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और इसे साथ साथ कुक करते जाएंगे। जी तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, सॉरी वो सूखा धनिया था, ये ज़ीरा पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और गरम मसाला डालेंगे हम 1/4 हिस्सा चम्मच का, ये हमने शामिल कर लिए हैं, ये देखें। जी तो यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। देखिए सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी इसमें। जी तो मैं 2 चम्मच इसमें दही डालूंगी, ये अब इसी में कुक हो गए चिकन हमारा।
जी, तो मैं इसे थोड़ी देर कवर करूँगी, इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। जी तो इसमें अब मैं लेमन जूस थोड़ा सा शामिल करूँगी। जूस, लेमन जूस हमने शामिल कर दिया। इसमें अब मैं सब्जियां डालूंगी। सबसे पहले प्याज डालेंगे, ये ज़्यादा कुक नहीं करनी, जो हमारी सब्जियां हैं। शिमला मिर्च शामिल करेंगे, तो मेरे पास थोड़े से टमाटर हैं, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। बस मिक्स करते ताकि देखो इतना ही कुक करेंगे, सारा मसाला मैं साइडों से उतार लूंगी अच्छी तरह से। जी तो ये हमारे रेडी हो चुका है मसाला सब्जियाँ चिकन, तो अब मैं इसे साइड से उतार लूँगी। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें हमारी डो जो है ये रेडी हो चुकी है। ये देखें फूल गई है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथ पे और ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गई है। अब मैं इसके पिज़्ज़ा बनाऊँगी, हाफ लूँगी यहाँ से मैं, ये देखें। जी तो ये देखें बिल्कुल हमारी डो जो है ये रेडी हो चुकी है, ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ये देखें इतना सा रखेंगे साइज। जी यहाँ पे मैं पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखें ऑयल मैंने लगा दिया है। मैं पीसे की जो है ये डालूंगी। जी तो यहाँ पे मैं पीसे की डो जो हमने पिज़्ज़ा बनाया ये डालेंगे, ये देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है। जी तो यहाँ पे मैं ये कांटे से काट देंगे इस तरह, ताकि सारा अंदर से भी पक सके अच्छी तरह से। ये देखें इस तरीके से एक साइड पकने देंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे इसकी। जी तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखें इस तरीके से, अब हम सबसे पहले फ्लेम को स्लो करेंगे और पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, 3 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये जो चिकन और कुछ सब्जियां हमने ली हैं ये डालेंगे। ये देखें
जी, तो सब्जियां और चिकन हमने शामिल कर लिया है। अब मैं मोज़रेला चीज़ शामिल करूंगी, इसमें ऐड करेंगे। जी, तो मोज़रेला चीज़ भी मैंने शामिल कर ली है, तो अब मैं इसे कवर करूंगी। जी, तो मैं अब इसे कवर करूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जी, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी इसको और 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे इसे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, 2-3 मिनट इसको और देंगे। जी, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, तो आज की हमारी जो रेसिपी ये रेडी हो चुकी है, चिकन फचीता पिज़्ज़ा मैंने रेडी किया है, बहुत ही अच्छा बना है। ये देखें, आप ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।